मम्मी और मैं अब जा रहे हैं सत्संग में, मम्मी भी रेडी। ताऊ का लड़का मेरा बहुत प्यारा है, हमारी बिगड़ती भी बहुत है, बनती भी बहुत है। सेंस से ना समझ आता है कि भाई मैं इसको क्या बोल रहा हूँ। दूध पिएगा? क्यों पिया है? अच्छा लगता तो नहीं शरीर से। और तेरे मुंह तो स्मेल आ रहा है, कितनी बार ना किया। पूछ कहाँ का भाई, पूछ इज हाफ, लेस देन हाफ। बड़ी दीदी जा चुकी हैं घर, मम्मी और मैं अब जा रहे हैं सत्संग में, मम्मी भी रेडी और हम भी रेडी। गुरु जी बताते हैं कि सत्संग की आधी घड़ी और तपके वर्ष हजार तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। स्कूटी लगा दी है पार्किंग में, अब जा रहे हैं आश्रम के अंदर। यह है टोकन नंबर जो हमेशा ही कहीं ना कहीं गिर जाता है, लेकिन अब प्रूफ हो गया 33 नंबर टोकन है। बता सकता हूँ एटलीस्ट कि नंबर मेरा ये है, लेकिन इसको संभाल के मेरे। क्या करें इसका, आज संडे था तो काफी संगत आई हुई थी आश्रम में, इवन एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आई। के बाद फिर आश्रम में शादी हुई जिसको हम रमैणी बोलते, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं रामपाल जी महाराज कैसा नया समाज तैयार कर रहे हैं, दहेज रहित शादी कैसे।